देखो हाँ, संभाल के निकालना है बॉडी को बाहर, संभाल के और ऊपर ले जाओ। हाँ उठाओ। यस सर। उठाओ बॉडी को, उठाओ आराम से। हाँ उठाओ उठाओ, ऊपर लो, ऊपर लो। देखो बॉडी को कुछ नहीं होना चाहिए। संभल के केयरफुल। हेलो। हाँ आराम से, आराम से। इस तरफ ले आप, हमारी तरफ, इस तरफ। आराम से इधर लाओ, इस तरफ, इस तरफ, राइट राइट राइट। आराम से। सर यहाँ चोट लगी। हाँ सिर पे मारा है। हाँ सर, घाव सिर्फ सर पर ही है, शरीर पे और कहीं भी चोट नहीं लगी है। मगर सर ये घाव जरा अजीब है। अजीब क्यों? सर कांच के किसी गोल डंडे से ये घाव हुआ है। कांच का डंडा? हाँ सर, इस घाव में से एक कांच का टुकड़ा मिला है। ये देखिए, ये कांच का टुकड़ा एक सीधा साधा कांच का टुकड़ा नहीं है। अच्छा जी, ये कांच का टुकड़ा बाहर से भी गोल है और अंदर से भी गोल है। ऐसा है ये कांच का टुकड़ा। अब अगर इसके कर्वेचर को हम बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि ये एक 1.25 इंच के डायमीटर की ग्लास की ट्यूब का है। ये है वो कांच का डंडा। 1.25 इंच की कांच की ट्यूब? तो कांच की ट्यूब इसके सर पे मारने से ही ये मर गया? नहीं, लगता है कि सर पर चोट लगने से ये बेहोश हो गए होंगे, फिर इन्हें ले जाके पानी में फेंक दिया गया और वहां डूबने से इनकी मौत हुई। इनकी लंग्स में पानी मिला है। अगर पानी में जाने से पहले इनकी मौत हो गई होती तो उनकी लंग्स में पानी नहीं जाता। कांच की ट्यूब से मारा है, ये कहीं लाइट की ट्यूब तो नहीं है? नहीं सर, लाइट ट्यूब नहीं है, ये एक बड़ी टेस्ट ट्यूब जैसा कुछ है। और सर पता नहीं आदमी करता क्या होगा, लेकिन एक बड़ा अजीब सा टैटू मिला है इसकी आंख में। देखिए सर, सिवाय इस टैटू के अब हमारे पास और कुछ भी नहीं है जिसे पता चल सके कि ये आदमी है कौन। सिर्फ एक टैटू से क्या पता चल सकता है? उसके कपड़ों में से कुछ मिला है? नहीं सर, पर्स नहीं है, कोई विजिटिंग कार्ड भी नहीं है सर। टेलर का नाम है? नहीं सर, टेलर का नाम भी नहीं है। कपड़े रेडीमेड है सर, कपड़े अच्छे हैं, महंगे हैं। मिसिंग पर्संस ब्यूरो में से खोए हुए आदमी की लिस्ट मंगवाओ और सब पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर रिकॉर्ड चेक करो, देखो किसी आदमी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या। सर उस आदमी का पेट काफी बाहर निकला हुआ है। खाता बहुत होगा या फिर दारू बहुत पीता होगा? चलता फिरता कम होगा या एक्सरसाइज भी नहीं करता होगा या फिर दिन भर एयर कंडीशन ऑफिस में बैठता होगा। मगर यह पानी में क्यों कूद गया और सिर पे चोट भी मार ली? सर दिखाओ वो टैटू, फिर से दिखाओ। मगर सर जिस तरह का ये आदमी दिख रहा है, मतलब सर ये उस तरह का आदमी नहीं लगता है जो अपने शरीर पे टैटू लगवाएगा। मगर टैटू मिला तो है ना उसके शरीर पे से, isn't it? मगर इतना बड़ा टैटू अपने शरीर पे लगवाना पागलपन है सर, आदमी तो शरीफ दिखता है। कभी कभी ऐसा होता है अभिजीत कि जो आदमी सबसे ज्यादा शरीफ दिखता है उसके साथ ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे बचपन खराब बीता हो या माँ बाप का डिवोर्स हुआ हो या वाइफ छोड़कर चली गई हो, तो एक कीड़ा घुस जाता है आदमी के दिमाग में और फिर वो ऐसे कुछ करने लगता है जैसे टैटू लगवा लिया। सर किसी ने तो ये टैटू बनाया होगा, अगर हम उस टैटू बनाने वाले को ढूंढ लें तो पता चल जाएगा कि ये आदमी कौन है। देखो मिस्टर सैमसन, हम लोग सीआईडी से। टैटू बनवाना है? कहाँ पे बनवाना है? नहीं, हमें कोई टैटू नहीं बनवाना है,
आप जरा दो मिनट के लिए बाहर जाएंगे प्लीज। नहीं, अगर आप कहे तो आपके हाथ में सीआईडी का लोगो बना देता हूँ। फिर आपको बार बार कार्ड दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सीआईडी का लोगो छोड़ो, ये देखो तुम ये टैटू बना सकते हो। ये वाला? क्यों, क्या हो गया? ये वाला टैटू देखते ही चुप क्यों हो गया है? मैं इस टैटू को पहचानता हूँ। पहचानते हो? गुड, तुमने बनाया इसे? जी नहीं। नहीं, फिर किसने बनाया? एक ही आदमी इतना अच्छा टैटू बना सकता है। कौन है? महाराशि। महाराशि? जी हाँ, महाराशि। टैटू बनाने में वो सबका बाप है, उससे अच्छा टैटू कोई नहीं बना सकता है साहब। ये महाराशि मिलेगा कहाँ पे? उसने एक टैटू बार बनाया है धनजी स्ट्रीट पे। वैसे सैमसन सही बोला आपसे, मुझे ऐसा टैटू बनाने वाला आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। कह रहा, अब ये बताइए कि कौन सा टैटू बनवाना है और कहाँ बनवाना है? हा? आप लोग बड़े साफ सुथरे लोग दिखते हैं, ये टैटू वैटू के चक्कर में कहाँ पड़ गए आप? अरे हम लोग सोचे जवानी हाथ से निकली जा रही है, कुछ टैटू वैटू बनवाने से जरा यंग जनरेशन के साथ चल रहे हैं ऐसा लगेगा है। ओके, तो फिर से यंग बनने का चक्कर है। बस कुछ ऐसा ही समझो, हमें ऐसा वाला टैटू बनवाना है यहाँ पे। ये वाला? हाँ। ऐसे बताओ, बहुत दूसरे डिजाइन है, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखाऊं? नहीं, हमें यही वाला बनवाना है। ये वाला? हाँ। ये वाला मैं नहीं बना सकता। अभी तो कह रहा था कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है। हाँ? ध्यान से देख, कुछ याद आता है? ये डिजाइन तुमने ही बनाया था ना? ये क्या कर रहे हैं आप? किसके लिए बनाया था? मुझे याद नहीं। किसके लिए बनाया था? मैं नहीं बता सकता, मैं मेरे मेरे क्लाइंट का नाम नहीं बता सकता आपको। देखो, तेरी नाक में दूसरा रिंग डाल दूंगा मैं। सीआईडी से हम लोग। आप सीआईडी से? तो पहले क्यों नहीं बताया? एक मिनट आपको दिखाता हूं। मैं आपको एक मिनट एड्रेस देता हूँ। नाम रोहित, 42 सी लिंक रोड। आप लोग सीआईडी से हैं ना? कुछ पता चला मेरे पति के बारे में? मैंने मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट भी लिखवाई है। आपने रिपोर्ट क्यों लिखवाई थी? अगर आदमी दो दिन से घर ही ना आए तो क्या करेंगे? आप जरा ये फोटो देखिए। रोहित, आपके पति करते क्या थे? ब्रोकर थे, स्टेट एजेंट थे। कुछ बता के गए थे आपको कि कहाँ जा रहे हैं? रानीपुर। क्यों, क्यों गए थे रानीपुर? वो कह रहे थे कि रानीपुर के पास कोई एक जगह है, वहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। प्रॉपर्टी खरीदनी गए थे? उनके पास 40 लाख रुपए थे। 40 लाख? लगता है इन 40 लाख रुपयों के लिए ही रोहित का खून हुआ है। सर, रोहित कार से गया था रानीपुर। हाँ, और वो कार भी तो गायब है। उसका क्या नंबर क्या है? ZWR 1026। पैसे भी गायब है, कार भी गायब है। देखो, वो 2-3 दिन के लिए गया था ना रानीपुर, है ना? जी सर। तो कहीं तो ठहरा होगा, या तो किसी होटल में या किसी के घर में, किसी ने तो देखा होगा उसे वहां पे। रानीपुर जाके एक एक होटल चेक करना चाहिए। हम लोग सीआईडी से। सर देखिए, ये आदमी आपके होटल में ठहरा हुआ था क्या? ये तो मिस्टर रोहित हैं, ये यहाँ पे ठहरे हुए थे हमारे होटल में। ये कब आए थे यहाँ पे? सर 3 दिन पहले। इनका सामान अभी भी है यहाँ पे? जी सर, जी है। चलिए जरा दिखाइए। जब रोहित वापस लौटकर होटल में नहीं आए और अभी तक नहीं आए, तो आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? सर, रोहित साहब हमारे यहाँ पिछले 2 महीनों से आ रहे हैं सर, हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। अब सर एक दिन लौट के वापस नहीं आए तो ये तो नहीं हो सकता कि हम भागकर पुलिस के पास पहुंच जाएं। एक आदमी आपके होटल से गायब होकर मर गया है और आप लोग सो रहे हैं। जब रोहित यहाँ होटल से बाहर गया था तो वो पैसे लेके गया था? सर हमें थोड़ी कोई बताएगा कि उसके पास पैसे हैं कि नहीं। रोहित के पास 40 लाख रुपए थे, मालूम है? मुझे नहीं मालूम सर। 40 लाख कहाँ गए? मुझे नहीं पता सर। कमरे को किसी ने हाथ लगाया? रोहित का सामान किसी ने नहीं छुआ सर। अगर पैसे नहीं मिले, समझ लो कि आपके होटल में ही कुछ हुआ है।
सर हमें क्यों फंसाया जा रहा है सर? अगर होटल में ठहरे हुए एक आदमी के पास से 40 लाख रुपए गायब हो जाते हैं और फिर वो आदमी मर जाता है तो कौन फंसेगा? कहाँ है कमरा? एक एक चीज अच्छी तरह से चेक करो, शायद इस कमरे में से पता चल जाएगा कि रोहित की मौत क्यों हुई है। सामान, सामान कहाँ है उनका? यहाँ कवर्ड में सर। एक मिनट, हाथ मत लगाओ, इधर आइए। अच्छा एक फोटो लो इसका। किसी ने हाथ तो नहीं लगाया इसे? सर कवर्ड को तो हम खोलते भी नहीं है सर। अभी पता चल जाएगा। अच्छा क्रेडिट कार्ड से मरने वाले के सिर में से कांच का टुकड़ा मिला था और यहां पर भी कांच का टुकड़ा, वैसा ही लगता है। मैनेजर साहब, यह होटल के कबर्ड में कांच का क्या सामान हो सकता है? कमरे में सिर्फ कांच का ग्लास पानी पीने के लिए होता है सर। यस सर। जरा चेक करो, देखो ग्लास टूटा हुआ है क्या? नहीं सर, ग्लास टूटा हुआ नहीं। नो सर, नो मनी, बैग में 40 लाख रुपए नहीं है। पैसे गायब? कहाँ है पैसे मिस्टर मैनेजर? मैं क्या बता सकता हूँ सर कि पैसे कहाँ गए, शायद रोहित जी ने किसी को दे दिए हों। आपने रोहित को अपनी आंखों से होटल के बाहर जाते हुए देखा है या उसकी लाश को जाते हुए देखा है? नहीं सर, मैंने रोहित को आखिरी बार होटल से जाते हुए नहीं देखा सर। नहीं देखा? सिर्फ आते हुए देखा था सर। उस दिन वो शाम को आए थे, मैं रिसेप्शन पे ही था, उनका मूड कुछ खराब सा लग रहा था सर। उसके हाथों में बैग था पैसे का? नहीं सर, वो तो मैंने नहीं देखा, शायद नहीं था सर। फिर वो सर कमरे में नहीं गए, वो बार में चले गए सर। बार में? इस आदमी को पहचानते हो? ये यही होटल में ही ठहरा था। ये सो रहा है कि मर गया? मर गया है। ये यहाँ बार में आया था ना? जी, 4 दिन पहले आए थे यहाँ, शाम को करीब 5:30 बजे। बस न जाने क्या हुआ, उसके बाद आया ही नहीं। उसके बाद कैसे आता बेचारा, ये तो ऊपर ही चला गया ना। अच्छा 5:30 बजे जब यहाँ पर ये आया तो फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, उन्होंने एक ड्रिंक ऑर्डर किया और ग्लास लेकर यहाँ पर बैठ गए। उनका मूड बहुत खराब था सर, बहुत टेंशन में लग रहे थे। टेंशन में था? क्यों, किसी से झगड़ा हुआ था इसका? मालूम नहीं, फिर फोन पे उनका एक कॉल आया था, काफी देर बात करी, फिर उनका मूड अच्छा हो गया था, वो एकदम खुश हो गए थे। तुमने सुना वो क्या बात कर रहे थे फोन पे? नहीं साहब, हम किसी की बात थोड़ी ना सुनते हैं सर, फोन पे किसी की बात सुनना अच्छी बात नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम, एक आदमी 3 फीट दूर बैठ के फोन पे बात कर रहा है और तुम कह रहे हो तुमने कुछ नहीं सुना। उसने फोन पे किसी का नाम लिया, कोई नाम सुना तुमने? मैंने कुछ नहीं सुना सर, यहाँ काफी लोग थे, काफी शोर हो रहा था सर। झूठ मत बोलो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। फिर क्या हुआ? फिर साहब जब जाने लगे तो उनका सीगू के साथ कुछ झगड़ा हो गया। ये सीगू कौन है? सीगू यहाँ का वेटर है साहब, वेटर पे चिल्लाने लगे। किस बात पे चिल्ला रहे थे साहब? सिगु ने कुछ कह दिया था उनको? सर साहब जब फोन पे बात कर रहे थे तो ये वेटर उनके बहुत पास जाके खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा, और साहब ने पीछे मुड़ के देखा तो वो चिपक के खड़ा था। ये सिगु कहाँ है, कहाँ मिलेगा ये? वो शायद स्टाफ रूम में होगा, वेटर लोगों का एक रूम है। रमेश जी साहब, ये सीगू का है? सीगू तो अंदर है, कपड़े बदल रहा है। बुलाओ उसको। सीगू
सिगो अंदर ही है ना? हाँ सर, अंदर ही है। सिगो, बस कुछ देर पड़े। सिगो बाहर निकलो। सिगो, तुम तो कह रहे थे कि अंदर है, है? सर यही था सर, शायद आप लोगों की आवाज सुनकर भाग गया होगा। सर, वो पीछे के दरवाजे से भाग गया। रहता कहाँ है ये सिगो? है? पास ही एक बंगला है। बंगले के मालिक वहाँ पे रहते नहीं, कभी कभी आते हैं। वहाँ पे जो वॉचमैन है, सीगू उसी के साथ रहता है। चलो जरा साथ में कोई, चलो दिखाओ कहाँ पे है वो बंगला, दिखाओ। सर यहीं पे रहता है सीगू। ठीक है, तुम यहीं रुको। सीगू, सीगू, सीगू। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। यहीं पे रहता है ना वो? हाँ सर यहीं पे रहता है। अगर यहाँ ताला लगा हुआ है, सीगू, सीगू, देखो, 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 बॉस, चिड़िया उड़ गई लगती है, सारे घर में सन्नाटा। मालिक यहाँ रहता भी तो नहीं है, वॉचमैन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वॉचमैन, देखो। इतने सारे बॉक्सेस को वॉचमैन क्या कर रहा है? शायद मालिक ने रखे हो। है क्या इसमें? खाली है। ये भी खाली, खाली बॉक्स। WR1026, ये तो रोहित की कार है। कार यहां पर है, मतलब सीगू का कुछ तो चक्कर है इस केस के साथ में। कार यहाँ छुपाने का मतलब ही कुछ गड़बड़ है। कार यहाँ पहुंची कैसे? शायद रोहित को मार के यहाँ पे लिटाया गया होगा, फिर उसकी लाश पानी में फेंक के कार यहाँ पे छुपा दी। कार यहाँ छुपाई गई है तो क्या वॉचमैन भी मिला हुआ है? और क्या, वॉचमैन जरूर मिला है सीगू के साथ, ये तो कार यहाँ पे रखते कैसे? वॉचमैन ने हाँ बोला होगा, तभी तो कार यहाँ पे रखी हुई है बंगले में। क्या यहाँ पे कोई सोया हुआ है? ये देखो, For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.